Happy birthday, and please come again to visit Israel. Thank you so much. And to swim in the sea. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Modi. Happy birthday to you. Happy birthday, Modi. Hail, hail, Modi. Kai, kai, Modi. Hail, hail, Modi. Kai, kai, Modi. Happy birthday. Alles Gute zum Geburtstag. Happy birthday. Happy birthday to you. ठीक है जी। और जियो हजारों साल। हजारों क्या, आप ही रहो भाई, बाकी सारा खपखुप जाए तो सिर्फ रहो बात। हाँ, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम मोदी जैसे नहीं बन सकते। तो बेहतरीन आप करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। हम तो ऐसा इंडिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इमाम से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। स्पेशली पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं वो। और दूसरी बात, क्यों नहीं बनेगा, एक बंदा जो चांद पे जाके बैठ गया है तो सारी दुनिया उसे देखेगी ना। पूरी दुनिया के जो पब्लिक है, कॉमन पर्सन, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और अभी दो दिन है, पहले से उन्होंने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया, वीडियोस वायरल हो रही है, क्या वजूहत? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी वाइफ तो है नहीं है, तो जब जिसकी वाइफ नहीं होती तो उसके भाई यार दोस्त ही सेलिब्रेट करते हैं। यार दोस्त एक दो तीन आपके आस पास, आपकी कंट्री के अंदर भाई पूरी दुनिया उसका दोस्त बना पड़े। क्यों नहीं बनेगा, एक बंदा जो चांद पे जाके बैठ गया है तो सारी दुनिया उसे देखेगी ना। जो चांद पे बैठा हो, जो ऊपर होता है उसे नीचे से देखा जाता है ना, तो जरा वो चांद पे तो सारी दुनिया देख रही है। हमारी बदकिस्मती है कि हम उसमें नहीं है शामिल, चाह के भी नहीं शामिल हो सकते। ठीक है, क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों? हमारी हुकूमत कहती है पाकिस्तानियों के दिल में तो इंडिया के खिलाफ बड़ी नफरत है, मोदी के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ बड़ी नफरत। नहीं नहीं, ये बस कहने की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे पाकिस्तान को फायदा होता है ना, वहाँ पे फिर सारा कुछ हो जाता है। लेकिन अब जैसे देखें, ये G20 उसने किया है तो उसमें कितने ममालिक आए हुए थे, तो जब वो किसी को रिसीव करने भी नहीं किया तो देखें फिर वो बंदा कैसा होगा। जो अमेरिका का जो सदर आ रहा है, सऊदीया का किंग जा रहा है, उन लोगों को किसी को उसने जाके एयरपोर्ट पे रिसीव नहीं किया, तो वो बंदा फिर क्या है। सही बात है। और वो देखिए आके गले मिले उनके साथ, जो बाइडेन के एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है जिनमें वो आके पीछे से हाथ लगा के उनको खड़ा करके गले मिल रहे थे। देखें, मोदी साहब को ना एक तो मसला है कि उनको ना हाथ मिलाने के बजाय जफ्फी डालने की बड़ी आदत है। कोई डाले या ना डाले, मैं तो जफ्फी डालूंगा, उनका ये काम है। मोहब्बत को प्रेफरेंस देते हैं, तो उन्होंने इतनी मोहब्बत फैला दी है ये जो लास्ट उनके साथ 8 साल गुजरे हैं, तो हर बंदा उनका फैन है। तो बाकी बात यह है कि उन्होंने जो अपने मुल्क के लिए कर दी है ना, जो उन्होंने अपने पासपोर्ट के इज्जत दी है, जो उसका नाम रोशन किया, मैं तो साफ कहूंगा कि मोदी का जो नाम है ना, ये बेशक हमारे नजर में वो ठीक नहीं है, हो भी सकता है जो कुछ हो रहा है, तो लेकिन उसने जो अपनी अवाम के लिए किया, अपने मुल्क के लिए किया, वो एक हिस्ट्री में उसका नाम जिंदा रहेगा। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद हमारे व्यूवर्स में से किसी को बुरा लगे और आपको भी लग सकता है, मुझे बताइएगा, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान होने चाहिए? क्या हमारे लीडर ऐसा होना चाहिए? नहीं, एज ए मुस्लिम तो मैं नहीं चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना है। क्या हिंदू यहाँ नहीं है? नहीं है, लेकिन उनकी एक लिमिट है ना। क्यों लिमिट है, हमने आईन में उनको हक ही नहीं दिया फिर तो। वो अब क्या कह सकते हैं, अब देखिए हमने अपने झंडे में उनको जगह दी, कलर दिया कि मतलब हमारे आईन में है, लेकिन आईन के अंदर तो हमारे कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज, वहां पर हम गए इंडिया की तरफ तो वहां पर प्रेसिडेंट मुस्लिम रहे, मुस्लिम पार्टीज भी रही, अभी भी मोदी की पार्टी में काफी मुस्लिम है, मतलब क्या है, इक्वालिटी है, आईन में उनको हक दिए गए, फिर हम किस तरह कहते हैं वो हिंदुत्व पे चलते हैं? नहीं भाई, ये कि उनको आगे कोई आने नहीं दे रहा ना, आगे कोई आने देगा तो फिर है ना। हमारे यहाँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ पे कोई एक हसाइया में नजर आ जाए हम उसे ताने देने लग जाते हैं, हिंदू तो दूर की बात है। अभी लास्ट फैसलाबाद में क्या हुआ आपके साथ? पाकिस्तानी क्या कहेंगे मोदी साहब को बर्थडे पे उनके? क्या कह सकता हूँ मैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है जी। और जियो हजारों साल। हजारों क्या, आप ही रहो भाई, बाकी सारा खप खुप जाए तो सिर्फ रहो बात। ये सबसे बड़ी तो अनम, पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, स्पेशली पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं वो। और दूसरी बात ये कि वो इतना अच्छा इंसान है यार, पाकिस्तानी कहते हैं वो चाय वाला यार, अगर वो चाय वाले को कहते हो ना, गुजरात का कसाई भी, गुजरात का कसाई भी कहते हैं, तो ये चीज जो है ना, ये आप लोग अगर कहते हो ना, तो उसने अपनी कंट्री को भी कितना ज्यादा सपोर्ट किया हुआ है। और दूसरा ये कि जिस तरह से हम कहते हैं कि गोरे जो है वो उसको विश कर रहे हैं, ये हो रहा है इंडिया में, मतलब कि दुबई में जिस तरह से वहां पे टावर बुर्ज खलीफा पर भी उनकी पिक्चर भी जो है वो दिखाई जाती है, उसके अलावा बाकी सब कुछ, तो ये उनकी एक
एफर्ट भी है, हम उसको भी कह सकते हैं कि उस एफर्ट की वजह से उन्होंने अपना एक नाम बनाया है। क्योंकि हर इंसान जो है ना कोशिश करता है तो ही उसका एक नाम होता है, उसकी पहचान होती है, इज्जत होती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने एफर्ट बहुत ज्यादा किया है। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा नाम कमा सकता है? यार पाकिस्तानियों ने हाँ नाम कमाए हैं, बिल्कुल कमाए हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान से भागने के लिए नाम कमाए हैं, हम लोगों ने पाकिस्तान के में फ्रॉड करने के लिए नाम कमाए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में इमरान खान जो थे वो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं टाटा बाय बाय करो इसको, ये अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो। तो दूसरी साइड पे अगर हम देखें ना नवाज शरीफ साहब को, तो वो पाकिस्तान दोबारा से अगेन तो वापस आ रहे हैं, लेकिन क्या सीन है उनका भी, आगे फिर हमने लूटमार करनी है, ये सब कुछ करना है। तो अपना नाम और अपनी पहचान इस तरह से बनाएं कि लोग आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव सोचें, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बनाया हुआ है। और उनके लिए हैप्पी बर्थडे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। और ये कहना चाहूँगी, और दूसरा ये कि जिस तरह से वो अपनी कंट्री के लिए एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो भी इस तरह से काम करें और हमारी कंट्री को भी ग्रूम करने में मदद करें। क्या पाकिस्तानी अकेले काम कर सकते हैं विदाउट इंडिया के, नहीं नहीं विदाउट इंडिया के आगे अच्छे ताल्लुकात बनाए के? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिस तरह से मैच के लिए पाकिस्तानी टीम ने इंडिया जाना है, तो मुझे ये भी लगता है कि हम अगर फाइनल में हुए तो हम जाएंगे इंशाल्लाह इंडिया फिर। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करने चाहिए। इंडिया जो है इतना हमारी नेबर कंट्री भी है और हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी भी हैं, जिस तरह से गांधी जी थे उनके और कायद आजम की बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी लीडर्स की भी नरेंद्र मोदी साहब के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ताकि हमारा पाकिस्तान भी उस तरह से आगे जा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच। इसके पीछे ये है कि उन लोगों ने काम किया है, आप देखिए फील्ड में अगर बात करें या अपनी, उन्होंने अपनी आवाम के लिए इतना अच्छा काम किया है कि लोग उनके गुनगुना रही है। आप देखें उन्होंने रिसेंटली आईफोन जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अपने मुल्क में लाए, उन्हें इन किया, फिर उसके बाद जो है उनके स्टोर्स ओपन किए, फिर टेस्ला जैसी कंपनीज आई, फिर रिसेंटली उन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स करवाए, इंडस्ट्रीज को इन किया। और बल्कि दुनिया इसलिए गुनगुना रही है क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट नजर आ रही है। अभी चाइना को लोग इतना एक्सेस नहीं करना चाह रहे जितना इंडिया को एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना के बाद जो उभरती हुई इस टाइम माशी लिहाज से देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, तो वो एक इंडिया ही है। हर वो दूसरा तीसरा इंसान, हर दूसरा तीसरा जो इन्वेस्टर है वो हमेशा यही चाहता है कि मैं अपना पैसे से पैसा जनरेट कर सकूं। और आपको पता है कि इस टाइम अगर कोई मार्केट है तो वो सबसे बड़ी मार्केट है आपकी इंडिया। और मैं इस टाइम अगर बात करूं मोदी की, आपने बात की है, तो मोदी तो फिर एक लेजेंड इस वजह से भी है, वो उसने अपने अपनी आवाम के लिए वो कर दिखाया। आप देखें कि हम लोग 70 सालों में रो रहे हैं सिर्फ एक बेसिक नीड्स पे। बेसिक नीड क्या है हमारी, आपको पता है एक बेसिक नीड है हमारी रोटी, खाना पीना, अशिया, हमारी हम इन चीजों से नहीं निकल सके। उसने इस बेसिक नीड्स के अलावा उनको वो चीजें दे दी हैं जो टेक्नोलॉजी में, साइंस में अपना एक नाम बना दिया। रिसेंटली उन्होंने देखा चांद जैसा मिशन कंप्लीट किया, फिर चांद के मिशन के बाद दुनिया को अपने मुल्क में सारे को इकट्ठा करके ले आया, G20 जैसी मीटिंग उसने कंडक्ट की। तो ये देखे कि ये उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट नजर आ रही है। आप ये कहें कि जनाब लोग मोदी को क्यों सराह रहे हैं, मोदी को सराहने का मकसद ही ये है कि उसने जिस तरह के इवेंट्स अपने मुल्क में किए हैं जिससे आने वाले लोगों को एक तासुर अच्छा जा रहा है। हर इन्वेस्टर को पता है मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा मुझे फायदा मिलेगा, तो वो क्यों है तेरे इन्वेस्ट वहां पे? हर बंदा मोदी जैसा बन सकता है? हाँ, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम मोदी जैसे नहीं बन सकते। हमारे हमारे लोगों को, हमारे पॉलिटिशियन को, हमारे जर्नैलों को, हमारे तमाम उन लोगों को जो बड़े थार्टी वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को चाहिए इनसे इंस्पायरेशन हो उनसे, और बकायदा वो उन चीजों को देखते हुए उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। आज से तो कामयाब हो जाएंगे। अगर ये लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे तो यकीन करें ये जिस तरह से आज 70 सालों में हमारे मुल्क का हाल है ना, अगले 70 सालों में भी यही हाल होना है। हो सकता है इससे बदतरीन हो जाए, बेहतर ना हो। क्यों? उसकी वजह हम अच्छी की उम्मीद तब करें जब हमारे मुल्क में अच्छी अच्छाई नजर आए। जब अच्छाई नजर ही नहीं आ रही, कहीं से हमें उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, एक बंदा आता है आप उसको पकड़ लेते हैं, दूसरा आता है उसको पकड़ लेते हैं, आप मुल्क में कोई नया बंदा तो आने को तैयार नहीं है। आप जिसे लोगों को लेके आ रहे हैं 70 सालों में, 30 साल आपने वो लोगों को आजमाया जो कि चोर करप्ट लोग थे, और उसके अलावा उन जर्नैलों ने हमारे मुल्क में काम किया, तो हम किससे उम्मीदें लगाएं? बिल्कुल सही बात, तो आपकी ऑथेंटिक है, बिल्कुल पॉइंट पे है। मुझे बताइएगा कि हम तो उन्हें कसाब कहते हैं, कसाई कहते हैं, बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, चाय वाला कहते हैं,
क्या हमारी स्टेटमेंट उनके लिए बदलेगी और क्या दोस्ती का हाथ कभी जाएगा? असल में हम लोग नेगेटिविटी से कभी निकले ही नहीं है। अगर हम उनकी इस नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल देना तो यकीन करें, आप देखें आज भी हम उनको कहेंगे कि जनाब वो तो वहाँ गुर्बत है। आज भी हमारी जितनी अनपढ़ लोग हैं उनसे आप बात कर लें, या कुछ मैच्योर लोग भी होंगे उनके भी सेंस जो अभी तक इतनी वाश नहीं हुई, अगर आज भी हमसे पूछ लेंगे ना वो ये कहेंगे वहाँ गुर्बत है। आज मैं आपको रिसेंटली एक मैं ना वीडियो कर रहा था, एक बच्चा खड़ा था बिल्कुल उसके तन मन में ना ऊपर यानी कि जिस्म पर कपड़े नहीं थे, मैंने उसको विजिबल किया, लोगों को दिखाया कि जनाब ये पाकिस्तान का हाल है। और वो बंदा जिस बंदे का मैं इंटरव्यू कर रहा था उसने कहा ये 30 साल पहले इस तरह का था इंडिया, और आज 30 साल में अगर हम बात करें आज हमारा ये हाल है कि इंडिया 30 साल आगे निकल गया और हमारे आज ये हालात हो चुके हैं। बात करने का मकसद ये है कि जनाब गुर्बत में हम गिरे, हालात हमारे खराब, बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं है, आटा हमारे यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, बिजली की क्राइसिस यहाँ पे है, खाने पीने की अशिया यहाँ में असर नहीं है, हम कैसे उम्मीद लगाएं जी यहाँ पे। हम बन सकते हैं, हम उनको फॉलो करना तो स्टार्ट करें। हम हमेशा ये कहते हैं जनाब वो गैर मुस्लिम है, काफी लोग है, चाइना भी तो गैर मुस्लिम है काफी है, हम चाइना को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लास्ट पे बताइएगा क्या कहेंगे उनकी बर्थडे पे, उनको क्या कहना पसंद करेंगे? जी मेरी तरफ से तो उनको एक बड़ी अच्छी है, क्योंकि हमेशा से किसी का भी अच्छा दिन आए वो बेशक मोदी हो, वो बेशक कोई मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम हो, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और दिल से करते हैं, क्योंकि एक अच्छा दिन होता है और उस पर सेलिब्रेट बनती है उनकी, तो दुनिया कर रही है तो हमें भी सेलिब्रेट मनाना चाहिए, बल्कि हमें तो सबसे पहले इस सेलिब्रेट के मौके पर उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर आज हम लोग कामयाब उस वक्त हो जाएंगे, अगर हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे, हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे और हमारे मुल्क की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारी कौम को फायदा मिलेगा। असल में ये कौम का फायदा नहीं चाहते, ये चाहते अपना फायदा है, जिसकी वजह से ये अंदर खाते वो सारी चीजें वहां से मंगवा लेते हैं, लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम कोई चीज नहीं मंगवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिये जब इंसान कोई अच्छा काम अच्छे काम करता है, जब अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो सब के सब आपको जब बर्थडे आती है, एक बहुत अच्छा एक हर एक बंदे के लिए एक साल बाद इवेंट आता है, सब मतलब मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन वही मुबारकबाद पेश करते हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हैं। नरेंद्र मोदी एक प्राइम मिनिस्टर है, जैसे उनकी वाम इतनी ज्यादा वाम है, वो भी इस टाइम उनको मुबारकबाद पेश कर रही है, तो इससे ये पता चलता है उनकी अवाम के अंदर नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा मोहब्बत पाई जाती है। अवाम नहीं, उनकी अवाम नहीं, पूरी दुनिया के फॉरनर्स, पूरी दुनिया के लोग, पूरी के सब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को विश कर रहे हैं और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। देखिए ये बहुत मैंने आगे ये बात क्लियर कर दी कि ताल्लुकात जब अच्छे होंगे ना हमारे हर एक के साथ, तो हर कोई आपको विश करेगा। जब हमारे ताल्लुकात किसी से बेहतर नहीं होगा तो हमें विश करेगा वो, बल्कि हमारी खुशियाँ देके जल जाएगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसे है। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हिस्ट्री में कभी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए कभी ऐसा किसी ने नहीं किया, क्या वजूहत है? आपके सामने पाकिस्तान में कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, कोई नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, इसी चीज में झगड़ों में आपस में पड़े हुए हैं, ये दूर की बात है कि सपोर्ट वगैरह कर रहे हो। हालांकि ऐसा भी होता है जो किसी को सपोर्ट कर रहा होता है हमारे इमरान को, वो भी सेलिब्रेट नहीं करते, ज्यादातर मैंने देखा इस तरह कभी पाकिस्तान में नहीं देखा गया। कोई यही बात है कि मोहब्बत नहीं है, इतना जज्बा नहीं है अपने काय, मोहब्बत नहीं है, इज्जत नहीं है, जज्बा नहीं है, या पैसा नहीं है? मेरे ख्याल से पैसे की तो दूर सी बात है, मोहब्बत इज्जत वगैरह नहीं है, जब ये इंसान में हो ना फिर पैसे की कोई वैल्यू नहीं रखती। क्या हमें दुनिया के साथ मिलके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला के दुनिया के साथ चलना चाहिए, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन